भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। शहरों में कूड़े का निपटान आज बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, लेकिन इस काम के लिए जिम्मेदार संस्थाएं ही अगर लापरवाही बरते तो इससे दुख की बात क्या हो सकती है। कांगड़ा नगर परिषद के चुनावों में इस बार कूड़ा संयंत्र की बदतर हालत मुख्य मुद्दा बनेगी। हर बार चुनावों से पहले इस कूड़ा संयंत्र के उचित रखरखाव को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन परिणाम डाक के तीन पात ही रहता है। जीतने के बाद इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, लेकिन इस बार शायद शहर की जनता इस कूड़ा संयंत्र पर प्रतिनिधियों के झांसे में आने वाली नहीं है। ये कूड़ा निष्पादन संयंत्र कम और कबाड़ का काम करने का स्थल ज्यादा बन चुका है। बेसहारा पशुओं की यहाँ पर भरमार है, ऑर्गेनिक खाद ना मात्र ही यहाँ बनाई जाती है। शायद ही कोई ऐसा नगर परिषद नुमाइंदा होगा जिसने यहाँ पर जायजा लिया हो। यहाँ सारा काम ठेकेदार के हवाले है, जिसे हर महीने पूरे पैसे मिल जाते हैं, लेकिन धरातल पर जो कार्य हो रहा है वह आंखें खोलने वाला है। नमस्कार, स्वागत है आपका उज्जवल हिमाचल में। आज हम आपको दिखाएंगे कांगड़ा शहर की सुंदरता का सच, एक सच ऐसा भी जहां शहर तो साफ सुथरा है, शहर में तो चकाचौंध किया जा रहा है, लेकिन जो एक शहर का किनारा है उसकी क्या हालत है। लोगों के घरों से आने वाला कूड़ा जो है वो उसका क्या हाल होता है, कहाँ जाता है और किस तरह से उसकी खाद बनती है या नहीं। वादे तो बड़े बड़े किए जाते हैं कि कूड़ा घरों से उठाया जाएगा, कूड़े को सही जगह पे पहुंचाया जाएगा, लेकिन हालात क्या हैं वो हम आपको दिखाएंगे। किस तरह से कांगड़ा के जो शहर है उसके कूड़ा जो है वो इसी गंदगी को दोबारा से लोगों के घरों तक पहुंचा रहा है, ये सच्चाई आज उज्जवल हिमाचल के माध्यम से आपको दिखाएंगे। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये जो जगह है यहाँ पे कूड़ा जो है इकट्ठा किया जाता है पूरे शहर का। साथ में आप देख रहे हैं यहाँ लोग भी काम कर रहे हैं, जहाँ इनका कहना है लोगों का कि जहाँ जो ज़रूरत होती है लोहा होता है, प्लास्टिक होता है, जो इकट्ठा किया जाता है, छांटा जाता है, वो कबाड़ में बेच दिया जाता है, लेकिन इसके अलावा जो बच जाता है उसको नीचे खाई में फेंक दिया जाता है। खाई में तो फेंक दिया जाता है, लेकिन यही कूड़ा नीचे खड से होते हुए खाई में वन विभाग की भूमि से होते हुए फिर लोगों के घरों तक पहुंचता है, क्योंकि इसी नदी से, इसी जो नीचे खड बहती है, यही पानी जो है लोगों के नालियों के जरिए जो है वो लोगों के खेतों तक पहुँचता है और वही उनकी फसलों को पानी जो है लगाया जाता है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो आवारा पशु भी जो है वो इस कूड़े में मुंह मार रहे हैं, जिसका वो भी शिकार होते हैं। कई बार ऐसी चीजें इसमें होती हैं जो बीमारियां पैदा करती हैं, और इस तरह से खुलेआम गंदगी होने से लोगों का बिना ग्लव्स के, बिना मास्क के, इस तरह से इस गंदगी में काम करने से बीमारियां होना तो संभाविक ही है। आपको बता दें कि इस डंपिंग साइट के लिए करोड़ों रुपए जो खर्च किए गए हैं, यहाँ पे कुछ मशीनें भी लगाई गई हैं, जिसमें ये कहा गया था कि जो मशीनें लगाई गई हैं वो कूड़ा जो है वो निष्पादन करेंगी और उनसे खाद बनेंगी, लेकिन ये सच्चाई सिर्फ कागजों तक या सीमित दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं डस्टबिन के बाहर भी कितना कूड़ा है, अंदर भी कितना कूड़ा है, और अभी भी गाड़ी जो है वो शहर का कचरा उठाकर जो है वो यहाँ पर पहुंची है। यहाँ पर खाद बनती कहीं दिख नहीं रही है, गीला कूड़ा कहाँ है, सूखा कूड़ा कहाँ है, सब जो है वो मिक्स ही हुआ जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस कूड़े पर जो है वो बंदर जो है वो गाय बैल जो है मुंह मार रहे हैं। खुले में ये कूड़ा फेंका जा रहा है, ऊपर से जो ये कूड़ा है वो अलग अलग नहीं है। मेरा नाम जी बचन है। यहाँ क्या करते हो? यहाँ पे छंटाई छंटाई करते हैं, कबाड़ कबूड़ छांटते हैं, कूड़ा सब साफ करते हैं, एक एक चीज निकालते हैं। क्या क्या निकालते हैं यहाँ का? सब आइटम, एक एक आइटम निकालना पड़ता है यहाँ पे। तो बाकी जो कूड़ा था वो कहाँ? बाकी कूड़ा जो जो वो क्या बोलते हैं, जो साग सब्जी होता है वो खांचे में जाता है, उसका खाद खुद बनता है, और बाकी और जो वेस्ट होता है उसका चला जाता है, वो सब तो खाई में चले जाता है सब। क्या करते हो यहाँ पे? सफाई का काम। क्या करते हो? सफाई का काम, कबाड़ प्लास्टिक निकालते हैं सारा इसमें से। कबाड़ प्लास्टिक का क्या करते हो? उसका तो मशीन है नहीं। बाकी जो बचता है?
बाकी बेच देते हैं हम लोग खर्चा पानी के लिए अपने, और बाकी जो कूड़ा बचता है वो कहाँ, बाकी खाई में। आइए अब आपको दिखाती हूँ कि जहाँ पे लोग अपने पुराने टीवी हो गए, गैजेट, रेडियो वगैरह जो भी होते हैं इलेक्ट्रॉनिक चीजें, उनको खराब होने पे अगर वो कूड़े में फेंक देते हैं तो उनका निष्पादन किया जाता है, और किस तरह से काम किया जाता है वो दिखाते हैं। यहाँ पर ये लाखों की मशीन जो है वो यहाँ पर लगाई गई है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है वो उनका किस तरह से इस्तेमाल किया जाए, किस तरह से यूज किया जाए, लेकिन ये मशीनें बंद पड़ी हैं। आप देख सकते हैं कि मशीनें जो हैं वो बिल्कुल बंद पड़ी हुई हैं, यहाँ पे कोई काम जो है वो इनका नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर ये है कि डंपिंग साइट में जो है वो जो पैसों की वेस्टेज की गई है वो साफ देखने को मिल रही है। ऐसा है कि उसको मैनेज करने की कोशिश तो हम कर रहे हैं, कई बार मैं भी जुट कर चुका हूँ और मोस्टली हफ्ते में दो बार मैं भी जाता हूँ वहाँ, काम तो कर रहे हैं वहाँ पर, जिस तरह से काम होना चाहिए उस तरह से काम हो नहीं पा रहा है, क्योंकि मैंने भी हाल में ही लास्ट मंथ ही यहाँ बतौर कार्यकारी अधिकारी ज्वाइन किया है, तो कई बार मैं सेंट इंस्पेक्टर को और जो उसके कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको मैं हिदायतें दे चुका हूँ, तो वो बोलते हो सर हो जाएगा, कर देंगे, ठीक हो जाएगा, बावजूद इसके कि जिस तरह का उसका जो रखरखाव होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो अब थोड़ा हम इलेक्शन के बिजी रहेंगे इसमें, परंतु जो भी हम इंस्ट्रक्शंस हैं वो तो हमने दी हैं उनको, इसके लिए वैसे सरकार की ओर से हमें एक मशीन जो है वो उपलब्ध करवाई जा रही है, और बेलिंग मशीन भी हमें मिलेगी जिससे जो हमारा प्लास्टिक पॉलिथीन है वो क्रशिंग के लिए काम आएगा। जो मशीन्स की बात आप कर रहे हैं उसको हाजर्स वेस्ट के नाम से जाना जाता है, तो पहले कि यहाँ डॉक्टर गौरव अग्रवाल रहे हैं तो उनके साथ एक MOU साइन हुआ था कमेटी का, तो दो की साल उन्होंने काम किया, वो प्रॉपर काम उन्होंने नहीं कर पाए वो, और वो काम छोड़ के आज के चले गए हैं, और जो मशीन्स हैं वो उन्हीं की प्रॉपर्टी है, वो हम पड़ी हुई हैं, परंतु भविष्य में हम कोशिश करेंगे, सरकार के भी निर्देश हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के तहत भी, कि हाजर्डस वेस्ट जो है उसके लिए हम किसॉस बनाएं, हम खोखे बनाएं। तो मेरी शहर वालों से भी मेरी ये अपील रहेगी, आग्रह रहेगा कि ऐसे जो अपना हाजर्डस वेस्ट है वो परिषद के द्वारा बनाए गए किसॉस में डालें ताकि उसका निष्पादन ठीक से हो सके। मेरे ध्यान में भी आया था कि कुछ वो सीमेंटेड वेंचेस हैं और काफ़ी हैवी हैं वहाँ, तो 10-12 के करीब वहाँ हैं, तो अब ये है कि जैसे ही हमारे इलेक्शन होते हैं तो नए जैसे हमारे पार्षद आते हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट के, उनकी ज़रूरत के हिसाब से वार्डों में उनको इंस्टॉल करवा देंगे। अलबत्ता क्योंकि यहाँ जगह थी नहीं कहीं भी उसको रखने की, तो उसको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के ही कैंपस में रखा गया है। आपको बता दें कि इस डंपिंग साइट का जो कार्य है, देख रेख की जिम्मेदारी जो है वो नगर परिषद द्वारा जो है ठेकेदार को दी गई है। नगर परिषद हर महीने वेतन के तौर पर ठेकेदार को लाखों रुपए की पेमेंट जो है करती है, लेकिन क्या नगर परिषद के अधिकारी ये भी पूछते हैं ठेकेदार से कि किस तरह से काम हो रहा है और नहीं हो रहा है। एक बात यहाँ पे की गई थी कि यहाँ पे मशीनें लगाई गई हैं तो यहाँ पे खाद बनेगी, जो लोगों के घरों से कूड़ा आएगा, सूखा कचरा आएगा, गीला कचरा आएगा, उनसे खाद बनेगी, लेकिन यहाँ खाद तो कहीं भी बनती हुई नजर नहीं आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पे कबाड़ का जो काम है वो बखूबी नजर आ रहा है, जो लोगों के घरों से लोहा आ रहा है, कबाड़ का सामान आ रहा है, उसको बेचा जा रहा है, फिर वो कबाड़ जो है फिर यहीं पे पहुंच रहा है। आखिर ये सर्कल यूं ही घूमता रहेगा तो इस कूड़े का होगा क्या? लोगों के घरों से निकलने वाला कूड़ा जो है वो लोगों के घरों तक ही पहुंच रहा है। एक बात ये भी देखने को मिल रही है कि ठेकेदार को तो जिम्मेदारी सौंप दी गई है, लेकिन उसके बाद जो है वो नगर परिषद इस डंपिंग साइट को, इस प्रोजेक्ट को भूल चुकी है। आखिर ये तो नगर परिषद को बताना होगा कि कितनी खाद जो है यहाँ पे बनाई जा रही है और कहाँ उसका जो है वो बेची जा रही है, किसे दी जा रही है। आपने देखा कि कांगड़ा शहर के कूड़े को इकट्ठा करने वाली डंपिंग साइट के क्या हालात हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना स्वच्छ भारत का कांगड़ा शहर में बिल्कुल भी सफल नहीं हो रहा है। क्या अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी सोए हुए हैं? क्या कभी उन्होंने देखा नहीं यहाँ आके कि किस तरह से काम हो रहा है और नहीं हो रहा है? वही तस्वीर आपको दिखाती हूँ, मेरे पीछे देखिए, ये पार्क बना है।
जिसका उद्घाटन जो है वो मंत्री सरवीन चौधरी द्वारा किया गया है। लेकिन पार्क की दुर्दशा देखिए, लगता है कि यहाँ का उद्घाटन होने के बाद यहाँ पर नगर परिषद के अधिकारी, अध्यक्षा या फिर कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं आया है। जिस तरह के हालात हैं उस हालातों से देखा जाता है कि यहाँ पर कभी किसी ने पैर भी आकर नहीं रखा होगा। वही बात करूं मैं यहाँ की मशीनों की, तो उनकी हालत तो आपने देखी ही है किस तरह से धूल फांक रही हैं। लाखों रुपए लगाने के बावजूद भी अगर कार्य नहीं होता है तो क्या नगर परिषद की जिम्मेदारी नहीं होती है कि जिन्होंने लाखों रुपए खर्च किए हैं, सरकार ने लाखों रुपए खर्च किए हैं, क्या उनको देखें? सरकार तो बड़े बड़े वादे करती है कि स्वच्छ भारत मिशन जो है वो सफल होगा, लेकिन कब सफल होगा, आखिर कब? चुनाव आते हैं, वादे किए जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। इस बार फिर चुनाव आए हैं, फिर ये चुनावी मुद्दा जो है वो डंपिंग साइट बनेगी, लेकिन इस बार क्या इस डंपिंग साइट के लिए काम होगा या नहीं होगा? अगर होगा तो उसके लिए बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि यहाँ के हालात बहुत खराब हैं। कोई भी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी या नगर परिषद के अधिकारी इसकी सुध नहीं ले रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय है। एक तरफ तो पूरा देश जो है वो कोरोना महामारी से जूझ रहा है, लेकिन इस डंपिंग साइट की हालत देखने के बाद लगता है कि कांगड़ा शहर के लिए और कोई बीमारी दस्तक देने वाली है, क्योंकि ये डंपिंग साइट चीख चीख के कह रही है कि मुझे सफाई की जरूरत है, कि मुझे सुधारने की जरूरत है, लेकिन अधिकारी जो है वो सोए हुए हैं, ना जाने वो कब जागेंगे। उज्जवल हिमाचल के लिए कांगड़ा से मीनाक्षी की रिपोर्ट। उज्जवल हिमाचल के लिए कांगड़ा से विशेष रिपोर्ट।